We fall, we break, we fail, but then we rise, we heal, we overcome. So stay. तो कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू में दिखाया था मोटे के मॉम जाकर दुबई में पहुंचे होते हैं, शायद बुर्ज खलीफा देखने के लिए गए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट में गए होते हैं। किसको मिलने के लिए बोलते हैं हाय, वो बोलता है लियान किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें वो बंदे के बारे में पता चलता है, उसका नाम होता है मैंग चुआन, अंतर्राष्ट्रीय कंट्रैक्टर। वो मिंग के पिता है, मतलब हमारे मोटे के पापा है। वो मोटे को मॉम को बोलते हैं कि हनी तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मोटे के मॉम बोलते हैं शायद मुझे मेरी बहन आपको मिल गई, मुझे ये लगा इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मोटे के पापा बोल रहे तो तुम यहाँ पर अच्छे से देख लो। मोटे के पापा पीछे से पूरी तरीके से मोटे की तरफ दिख रहे हैं। मोटे के मॉम बोलते क्या आप मजाक भी नहीं समझ रहे हो। मोटे के पापा बोलते तुम रात में एरोप्लेन से आए होगे, थक गए होगे, चलो हम हमारे रूम पर जाते हैं। मॉम बोलते चलो मेरे कार पे तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। मोटे के मॉम बोलते मेरे पास और एक कारण है यहाँ पर आने के लिए, मुझे तुमको कुछ बताना है। मुझे 2 दिन पहले मेरा एक बेटी मिली थी, कितना अच्छी थी वो बेटी, लेकिन वो भी एक कहानी है तुम्हें मैं बताता हूँ। इस सुनने के बाद मोटे के पापा बोलते हैं क्या तुम जिससे बेटी तुम्हारे बने हो, मतलब तुम जिससे अडॉप्ट किए हो, उसको तुम्हारा बेटा पसंद करता है, लेकिन तुमने उसको बेटी बना दिया, क्या ये बात मोटे को पता है। मोटे के मॉम बोलते मुझे भी नहीं पता, जितना पता था मैं तुमको बोल दिया। मोटे के पापा बोलते तो अब क्या करोगे। सोचना था क्या मैं ये बातें मोटे को बता सकता हूँ। मोटे की मॉम बोलते क्यों समझाए, सबसे पहले मुझे लगता है कि ऊँटों को मैं तो एक मेरा बेटी की तरह पसंद करता हूँ, इसे कोई लेना देना नहीं है कि उसे मोटा पसंद करता है नहीं। और आप उसके बारे में अच्छे से सोचें, मैं तो ऊँटों को मेरी बेटी की तरह दिखता हूँ और वे मुझे पसंद करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे मेरी बेटी की तरह ही देखूँगा। एक तरफ मेरा बेटा है, दूसरी तरफ मेरी पोती है, उनका कानूनी और खून से कोई लेना देना नहीं है। पीछा करने के बाद शादी करने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, बाहर वाली खेत में चारा लगाओ और पानी ना दो। इसका मतलब ये है कि मैं मोटे के लिए कुछ भी कर सकता था, पहले मैं किया भी था, और मुझे उसे 1 महीने का जो चांस था वो उसे भी मैंने दिया था ये सब। मोटे के पापा बोलते हैं मैंने तो ये नहीं बोला था। आप ये सब पेपर वर्क कर दोनों बच्चों के अंदर क्या होगा आप ये नहीं समझ रहे हो। मोटे के मॉम बोलते हैं वो बहुत समझदार बच्चे हैं, आसानी से सब बातें समझ जाते हैं। आप चिंता मत करो, सब चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं सच में ये सब कर सकता हूँ। लालत है मेरे बेटे के ऊपर। तभी मोटे के मॉम को कोई कॉल करता है, वो और कोई नहीं ऊतोंग होती है। तभी मोटे के मॉम बोलते हैं बोलो ऊतोंग। और मोटे के पापा सोचते हैं अब फाइट होते ही रहेंगी, और तूफान की जैसा फाइट हर दिन चलता ही रहेगा, हम चिड़ियों के जैसा साइड में बैठकर देखते ही रहेंगे बाप और बेटा। और तभी ऊतोंग बोलती है मोटे ने बोला वो आपका बेटा है, क्या है सच बात है। मोटे का मॉम बोलते हैं हाँ ये सच बात है। फिर ऊतोंग बोलते तो आपको पता था मोटा मुझसे प्यार करता है। हाँ मुझे उस दिन पता चला जब भी मोटे का बहन मुझे ये सब बोली। तभी मोटे का पापा मोटे के ऊपर हंसने लगते हैं क्या तेरी बहन है यार। और मोटे के मॉम बोलते मुझे पता है तुम अभी हांगकांग में हो, मैंने तुम्हें मोटे को हेल्प करने के लिए वहाँ पर भेजा था, और मुझे ये जानना है कि मोटे को कैसा लड़की पसंद है। ऊतोंग बोलते हैं क्या आप मुझे बेटी की तरह देखते हैं। मोटे की मॉम बोलते हैं इसे मोटे को कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तुमको भेजा था वहाँ पर देखभाल करने के लिए, मैं सच में मोटे को पसंद करता हूँ, ये ऊतोंग बोलती है। ये सुनने के बाद मोटा के मॉम एक दम से उसके सामने चले आते हैं और उसके गाल पकड़ कर बोलते हैं कि मुझे दिल की गहराइयों में पता चलता है कि तुम में और मेरे में माँ और बेटी की रिश्ता है, तुम मेरे पास होती हो तो मुझे मोटे की कोई ज़रूरत नहीं होता है। सुनने के बाद मोटा सोचने लगा क्या मेरा मॉम कुछ दिन के लिए हांगकांग क्या गई, मेरा मॉम तो पूरी तरीके से बदल गई। और मोटे को लगता है कि ये सब मोटे ने ही किया है, आसान बात में बोलूं तो सब चीज़ मैंने ही किया है, मतलब मैंने ही मेरे बहन को ऊतोंग के साथ मिलाया और मेरे बहन ने मॉम को बोला और मॉम ने ये सब कर दिया, इसका मतलब मैं ही जोकर बन गया यहाँ पर। और मोटे के मॉम बोलते हैं मैं इस बारे में सोचा तुम बहुत दयालु हो, और मुझे वो बच्चे पर खाने का भरोसा हो गया, मतलब मोटे के ऊपर। आप मुझे मोटे के माध्यम से मुझे माँ बुलाते हो, मुझे इस बात की डर है कि ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आपको खुद ही लड़ना होगा,
और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हूँ, तुम कर सकती हो। तुम इसलिए नहीं करोगे कि मैं मोटे के मॉम हूँ। क्या तुम मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहती हो? उतंग बोलते नहीं नहीं, क्या मेरा बेटा है, क्या मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए? तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती हो? नहीं, आप मेरे सौतेली माँ हो ना। और ये सुनने के मोटा और मोटे के पापा शर्मा जाते हैं। और बताओ, और कुछ है? नहीं, और कुछ बात नहीं है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। तो आप आने से पहले मुझे बता दे आप कब वापस आने वाले हो, क्योंकि आप हमारे घर पर खाने वाले हो ना, क्योंकि मैंने मेरा पापा और मम्मी को बोल दिया है। तो ओके, ठीक है, और तुमने बिल्कुल सही किया है। बस इतना ही? मोटे के पापा और मोटा सोचता है, मोटा जो उतंग को बोलते हैं कि तुम्हारा बात खत्म हो गया, अब तुम बोलो क्या बोलती हो। मेरे वजह से मेरी मॉम तुमको बेटी बनाना चाहती है, और क्या मामला है यार? उतंग बोलते नहीं, वो मेरे आइडियल है, वो मुझे बेटी बनाना चाहती हैं, तो मेरा सौभाग्य की बात है, तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। मोटा बोलते तो मैं क्या करूं? तुम सिर्फ हमारे बात सुनो। इसका मतलब है, तुम्हारे मतलब है मैं यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी क्लास है ना। मोटा बोलते हो, यहाँ पर मेरे पापा, मेरे मम्मी और उतंग ने बैठकर मुझे पानी पर ढकेल दिया और खुद बैठकर देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे बचाने के लिए भी नहीं आए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, मैं सिर्फ हवाओं में हाथ घुमा रहा हूँ आपकी तरह। वो मुझे मना नहीं किया, उसने बोला कि वो अपनी जो सर्वश्रेष्ठ के लायक हूँ, क्या आप मुझे आपकी बहुत अच्छी दोस्त नहीं समझते? ये सुनने के बाद मोटा शर्मा जाता है। ओए होए, वहाँ पर शायद मोटे के दोस्त चलाते हैं और बोलते हैं, मोटे तू यहाँ पर है, तुम मुझे नहीं जानते हो या तुम्हारे दोस्त मुझे नहीं पहचानते हैं? अमेरिका में बहुत अच्छा शो किया था, तुमने तो मुझे पहचाना होगा। क्या मैं उसे नहीं पहचानता या ये सब अफवाह है? मोटा सोचने लगता है और वो बच्चा आकर बोलता है, इस साल बास्केटबॉल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं बास्केटबॉल टीम का कोच हूँ, इसलिए मैं आपको मेरे टीम में इनवाइट कर रहा हूँ। मोटा बोलता है, बास्केटबॉल गेम? मैं बास्केटबॉल नहीं खेल। ये बात क्यों मोटा किसी को बोलता है, हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। सायनारा। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया, कितने तूफान मैंने सोचा ही नहीं था, मैं माजी में दफनाता आया हूँ कितने वार।